हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाके कोई भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे की बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल के टाइप करिएगा www.corbettonline.uk.gov.in। यहाँ से खुल जाएगा गवर्नमेंट का बुकिंग वेबसाइट। अगर आप सिर्फ जंगल सफारी बुक करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लान अ विजिट से नाइट स्टे ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये अलर्ट आपको बता रहा है कि आपको बुकिंग करने से पहले सारे आईडी कार्ड की डिटेल्स आपके सामने आपको रखना होगा। ये पेज में आपको भरना पड़ेगा अपना ट्रैवलिंग का डिटेल्स। पहले आप फिल करोगे आपका चेक इन डेट, फिर आप फिल करोगे चेकआउट डेट। उसके बाद रूम्स में आप 1, 2, 3 कितने भी नंबर ऑफ रूम्स सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 1 में जो लिखा है शो डॉर्मिट्री 2, इसका मतलब इसमें डॉर्मिट्री रूम्स भी दिखाए जाएंगे। नंबर ऑफ अडल्ट आपको लेना पड़ेगा। चिल्ड्रेन अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। पैसेंजर टाइप का मतलब है कि आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, वो डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का नाम दिखेगा, वो कौन से जोन में पड़ता है, कितने रूम्स अवेलेबल है, कितने पैसेंजर्स उस रूम में रह सकते हैं, खाना आपको वहाँ पे मिलेगा या आपको कैरी करना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स आपको दिखेगा। एंड आपको सफारी का परमिट कॉस्ट भी साइड में दिख रहा होगा। फूड में जहाँ जहाँ कैंटीन लिखा है इसका मतलब ये है कि उस FRH में कैंटीन अवेलेबल है। आपको खाने के लिए चार्जेस भरनी पड़ेगी, आपको खाना रेडीमेड मिल जाएगा मेन्यू के हिसाब से। जहाँ पे फूड में ब्रिंग योर ओन लिखा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कैंटीन वैसा नहीं है, आपको अपना रॉ मटेरियल्स लेके जाना पड़ेगा या फिर आपको बाहर खाना अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक FRH आपको दिख नहीं रहा होगा, वो ढिकाला FRH है, क्योंकि वो एवरी मंडे जब बुकिंग खुलता है नेक्स्ट 45 डेज के लिए 5 मिनट के अंदर उसका बुकिंग सोल्ड आउट हो जाता है। ढिकाला में रहने से ही आप ढिकाला में सफारी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और FRH में रुकते हैं तो आपको ढिकाला का सफारी करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप फेयर ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं कि ये जो सफारी का परमिट कॉस्ट लिखा है इसमें क्या क्या चार्जेस इंक्लूडेड है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई सा भी डिटेल्स भरना पड़ेगा। आईडी डिटेल्स आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको टाइप करना होगा, और आपका सटीक एज आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। सफारी परमिट को छोड़ के आपको अलग से गाइड चार्जेस और जिप्सी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जो नीचे नोट्स में लिखा है। सफारी परमिट ही सिर्फ बुकिंग के टाइम पे आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। रेस्ट जितना भी आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखा वो सब जब आप सफारी करने जाओगे तो गेट से आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। आप एक बार अगर बुकिंग कर देते हो तो कैंसिल करने से कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फोटोग्राफर्स के लिए एक फायदा है कि अगर वो लोग कोई भी कैमरा कैरी करते हैं तो उसके लिए अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एक रात का नाइट स्टे का बुकिंग आपको 2 सफारी देता है, एक दिन उस शाम को और एक दिन नेक्स्ट मॉर्निंग को। आपको अलग से जंगल सफारी का कोई बुकिंग करने का जरूरत नहीं है। नीचे आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो कि आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर दोगे तो एक OTP जाएगा। OTP को आप नीचे डाल के वैलिडेट करने से आपका पेमेंट गेटवे पेज खुलेगा। ये है आपका पेमेंट गेटवे पेज। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI कोई भी ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब पेमेंट करोगे तब आपको एक टिकट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। जब आप सफारी करने जाओगे तो आपको उस टिकट का प्रिंटआउट अपने पास रखना होगा, क्योंकि गेट में वो प्रिंटआउट देखी जाती है। अगर आपको नाइट स्टे बुकिंग को लेके और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।